अभी के साथ तो स्कूल में लैंड करो भाई, अभी भी आया था उसके घर पर अभी। तो गाइस ये एक सोलो टूर्नामेंट, इसमें मुझे भाई पर किल के हिसाब से पैसे मिलेंगे, जितने किल उतने पैसे। तो मस्त ऑल पे भाई, इस बंदे ने बोला था स्कूल पे आओ, तो स्कूल चलते हैं भाई। बहुत थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ मैं उतरने के लिए भाई, दो बंदे दिखे हैं मेरे को यहाँ पे, एक तीसरा मैं हूँ यहाँ पे जो लेट उतर रहा हूँ, और एक और बंदा आता है भाई, मतलब चार बंदे टोटल स्कूल के अंदर। कितने को मैं मार पाता हूँ और मैं क्या जिंदा वापस पहुँच पाऊँगा कि नहीं, आगे देखते हैं। और भाई कैसे भी करके एक गन मिल चुका है मेरे पास, एक तो भाई स्विमिंग पूल में, एक छत के ऊपर है, और एक और कैंप कर रहा है स्कूल में कहीं पे। तो भाई काफ़ी डैमेज दे दिया इस बंदे को, तो पुश कर देता हूँ मैं, पट्टी मार रहा हूँ, टर्न करके हेडशॉट देके लपेट लिया इस बंदे को। और ये था गाइस पहला किल। और गाइस ये थी 99 की लॉबी, बोले तो भाई एक भी बोट नहीं है यहाँ पे। तो ये मत सोचने कि भाई टूर्नामेंट कैसे है, क्योंकि भाई किल फीड में देख लेना कोई भी बंदा आपको बोट के नाम से नहीं आएगा, जो भी बंदा मर रहा है या मार रहा है। तो अभी भी स्कूल में एक बंदा है, तो कहाँ पे वो TPP ले सकता है, वैसे मैं फ्लैश कर रहा हूँ कि भाई मेरे को फुट स्टेप आ जाए। तो वहाँ पे तो कुछ नहीं आता फुट स्टेप, मतलब वहाँ पे बंदा नहीं है, बट आगे देखो भाई वो कौन सा जगह है भाई छुपने का। भाई फिर भी लपेट लिया इस बंदे पे, भी कोई गन नहीं था, ये भी कोई YT वाला बंदा, यूट्यूबर सस्ता वाला। पट्टी मार लेता हूँ, आखिरी बंदा जो बचा हुआ है वो स्विमिंग पूल में है, उसको भी पुश करता हूँ, क्योंकि भाई पर किल के हिसाब से पैसा मिलेगा, तो भाई पुश तो करना ही पड़ेगा ना भाई। तो भाई ये कूद के पीछे भाग जाता है ये बंदा, वापस स्कूल में जाता है, तो मैं भी स्कूल में आ जाता हूँ भाई, फ्री फायर देता हूँ यहाँ पे। अब वो बंदा छत के ऊपर जा चुका है, तो भाई इस बंदे को तो भाई सस्ते में निपटा दिया है, तीसरा किल था ये, मतलब तीनों बंदे को लपेट लिया जो भी स्कूल में आया हुआ था। तो भाई रोजा खिल में गाड़ी लगी हुई है, मतलब उसको लूटने नहीं जा सकता मैं। तो भाई ये बंदा स्कूल में आता है, मतलब बिल्कुल भाई उस बंदे को भी किल चाहिए, क्योंकि पर किल के हिसाब से पैसा है। तो भाई स्कूल के अंदर आ जाता है वो बंदा, तो मैं भी पुश कर देता हूँ। ओहो भाई ये क्या है, शानदार किल था, मस्त 1v1 में लपेट लिया है, चार किल हो चुके हैं, 24 बंदे अभी भी अलाइव है। तो भाई आप सोच रहे होंगे भाई टूर्नामेंट मैच है और भाई सिर्फ 24-22 बंदे बचे हैं यहाँ पे, क्योंकि भाई पर किल के हिसाब से सारे बंदे पुश करके खेल रहे हैं, जितने से जितने किल बटोर सके, फटाक से मार सको भाई। तो अगला जोन में जाता हूँ मैं यहाँ पे, इधर पे रोकता हूँ मैं, मतलब जो भी जोन के बाहर से आएंगे रोटेशन दे करके उसको लपेटने के लिए। सामने वेयर हाउस में एक बंदा होता है जो भाई मेरे को मार रहा था यहाँ पे, तो वो बंदा अभी भी एक किल लेता है। तो मैं सोचता हूँ भाई वेट क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, पुश करता हूँ स्मोक करके उसका भाई, पहले ब्लॉक करता हूँ विजन वेयर हाउस का। यहाँ पे एक डब्बा मिलता है, डब्बे में भाई जो भी नेड मोली था उठा लिया मैंने, और सामने राइट वाले घर पे बंदा होता है वो। तो भाई यहाँ पे जब क्लोजिंग करता हूँ भाई, एक नहीं दो दो बंदे यहाँ पे, एक तो भाई ग्राउंड फ्लोर पे, एक ऊपर है घर के ऊपर। तो यहाँ पे मैं पुश नहीं कर सकता, क्योंकि अगर एक बंदे को तो मार दिया मैं ठीक है, बट उस बंदे ने अगर डैमेज दिया तो भाई दूसरा बंदा पुश करके इजी मार देगा मेरे को। तो मैं सोचता हूँ पहले नेड़ से फोड़ूँ, या तो फिर उन दोनों फाइट होने का वेट करता हूँ मैं। और यहाँ पे भाई नेड छोटे से छेद में घुसने की कोशिश करता हूँ भाई, जो कि जैरो वाले प्लेयर के लिए बहुत ही टफ है छोटे से छेद में घुसाना, आराम से ही इसमें टाइम ले घुसाता हूँ। और बूम गाइस इसको फोड़ दिया है, पांचवा किल, जो आखिरी बंदा है बचा यहाँ पे उसको करता हूँ पुश। और भाई 1v1 में भाई कोई बचा है यहाँ पे, इसको भी लपेट लेता हूँ। ये था गाइस 6 किल, भाई बहुत सारा किल हो गया अपना यहाँ पे,
जोन बन चुका है, इसको फटाक से लूटता हूँ, आगे जोन में जाता हूँ। यहाँ पे मस्त भाई अपने बगी को पहले स्मोक किया है कि भाई कोई पीछे से बैठा ना हो, और वेट कर रहा हूँ मेरा गाड़ी में बैठने का। तो स्मोक करके आया हूँ मैं यहाँ पे। अगला जोन बनने को पहले पीछे देख लेता हूँ, जोन बनने के बाद आगे निकलता हूँ नेक्स्ट जोन में। पीछे यहाँ से एक दास जा रही है और सामने से एक और बगी आता है, तो यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है, आगे चले जाता हूँ मैं जोन में। ये घर ले लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे एक ड्रॉप भी आया हुआ भाई, लेवल 3 का आर्मर वेस्ट मिल जाएगा मेरे को। अब बचे हैं सिर्फ 6 बंदे भाई, मतलब चिकन डिनर कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पे, बस किल का किल ही है भाई, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा किल लेगा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेके जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लेवल 3 का हेलमेट मिल चुका है, तो मैं ड्रॉप कैंसिल करता हूँ, ड्रॉप लेने नहीं जाऊँगा मैं यहाँ पे। अब भाई लास्ट बंदा बचा हुआ है मेरे अलावा, तो ये बंदा भी मस्त पुश करके खेल रहा था, ढूंढ रहा है मेरे को बिल्कुल। वो एच पे जाके रुका हुआ है जोन के, तो मैं स्मोक करता हूँ, इससे लगे कि मैं पुश कर रहा हूँ इस बंदे को। पहले तो मैं नेट फेंक देता हूँ क्योंकि बहुत बंदा लो था, अगर नेट आजू बाजू भी गिरा तो बंदा फूट जाएगा अगर उसने हील नहीं करी होगी। तो बहुत सारे स्मोक है, लास्ट बंदा बाकी है, आगे कोई ज़रूरत नहीं है स्मोक का। तो एक पास बजाना, तो उसे लग रहा है कि भाई मैं पुश करने वाला हूँ, बट मैं पुश नहीं करता। और भाई अगला जोन बन चुका है, वो बंदा सामने अभी भी है, तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना भाई राइट से पहले फ्लैंग मारूँ, जोन में चले जाऊँ मैं, वहाँ से उस बंदे का वेट करूँ। तो ये बंदा बहुत ही नाच रहा था, इसलिए भाई कुछ ज़्यादा कनेक्ट नहीं हुआ। क्लोजिंग करता हूँ क्योंकि अभी भी भाई वो बंदा जोन में है, उसको जोन में आना है। और भाई इस आखिरी बंदे को भी लपेट लेता हूँ। ये था गाइस टूर्नामेंट में 7 किल के भाई मुझे पैसे मिल जाएंगे मेरे अकाउंट में। तो ये था गाइस, कैसा लगा लाइक ठोक दें यहाँ पे अच्छा लगे तो, और चैनल पे नए तो भाई सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही गेम प्ले देखने के लिए। तो बस इस मैच में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट गेम प्ले पे, जो कि भाई या तो बोनस चैलेंज या तो भाई कॉन्करर पुश करने वाला है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे। We wait for the smoke to clear.